हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमेन बॉस फिर प्रेजेंट हो गया और आज इस वाली पतंग उड़ाने वाला हूँ मैं। और ये होममेड काइट है, ये घर की बनी हुई है, मार्केट की नहीं है। पर फ्रेंड्स, पतंग उड़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने छत से किसी को भी पतंग उड़ाने के लिए अलाउ मत करिएगा, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपका नेबर हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो। आप अपने छत से खुद पतंग उड़ाइए, लेकिन किसी दूसरे को अलाउ मत करिए पतंग उड़ाने के लिए। और एक चीज़ आपको और भी बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये कि पतंग उड़ाने से पहले अपने हाथ को, ये देखिए इसमें डिटॉल है, या सैनिटाइज़र यूज़ करिए या डिटॉल यूज़ करिए, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर यूज़ करिए। और ये देखिए मैं इसमें रॉ डिटॉल लगा रहा हूँ, रॉ, आप देख सकते हैं ये रॉ डिटॉल मेरे हाथ में आ गया है काफ़ी सारा, ये देखिए। और इसको मैं अभी लगाऊँगा। और ये सब ज़रूर यूज़ करिए, इसके बगैर आप पतंग वगैरह मत उड़ाइए। ये देखिए मैंने पूरा इधर भी लगा लिया, यहाँ तक ऊपर ऊपर तक लगा लिया। और हमेशा ही जब भी आप पतंग उड़ाइए इसको ज़रूर लगाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को, या किसी भी अपने नेबर को छत पे मत आने दीजिए। छत आपका है तो आप अपने छत से खुद पतंग उड़ाइए और खूब एक्सरसाइज वगैरह करिए और हेल्दी रहिए, मैं यही चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस पतंग को उड़ाता हूँ मैं। और बहुत अच्छी पतंग है ये, चील काइट, काइट का मतलब पतंग, काइट का मतलब चील, दोनों ही एक जैसे। फ्रेंड्स, जो वो पीछे दूर पतंग उड़ रही ना, वो क्लब काइट फाइटर की है। पर ये जो पतंग है, ये पटियाल, ये बच्चों की है। बच्चों की पतंगें ज़्यादा खतरनाक होती है, मैं बच्चों की पतंगों से डरता हूँ, क्लब काइट फाइटर के पतंग से नहीं डरता मैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कोई किसी के छत पे नहीं चढ़ता, सब अपने अपने छत से ही पतंग उड़ाते हैं। ये नहीं कि किसी का छत अगर खाली पड़ा हुआ है चढ़ जाए, तो इतना डिसिप्लिन, इतना मैनर तो लोग रख रहे हैं यहाँ पे हमारे इस तरफ, हमारे मोहल्ले में। फ्रेंड्स, वो जो पतंग उड़ रही है वो क्लब काइट फाइटर की है, उससे मेरी पतंग लड़ेगी और बहुत लड़ती है, बहुत अच्छा लड़ता है। कई सारे क्लब काइट फाइटर यहाँ पे रहते हैं आसपास। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आज छोटे बच्चे ज़्यादा छत पे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो थे, तकरीबन काफ़ी सारे छतों पे थे छोटे छोटे बच्चे जो पतंग उड़ा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का बड़ा ज़बरदस्त झटका आया, तो सारे बच्चे अपने पतंग वतंग छोड़ छाड़ करके भाग गए नीचे। और ओपोनेंट का भी पतंग आ गया है। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा पेच लड़ने लग रहा है और ये अभी पहले इसको काटना पड़ेगा क्लब काइट फाइटर से लड़ाने से पहले। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो इतना तंग कर रखा है। अभी देखिए, अब मैं बाहर खींचूंगा बहुत तेज और छप मार के पेच काटूंगा। वो देखिए गया, छप मार के काटा मैंने इसको। एक आगे और उड़ रही है, उससे भी लड़ाना पड़ेगा मेरे को। फ्रेंड्स, इनकी वजह से जो हम क्लब काइट फाइटर लोग आपस में पतंग नहीं लड़ा पा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक की तो भी मैंने काटी, आप लोगों ने देखा, इसको भी काटना पड़ेगा, बगैर काटे फ्रेंड्स लड़ नहीं सकता आगे। अब ये भागा, देखिए जब मैं लड़ाने जा रहा हूं तो भाग रहा है। कहीं मेरी ना कट जाए। देखिए, जब लड़ाने लग रहा हूं तो भाग रहा है। और ऐसे जो है मौके के चक्कर में रहते हैं कि कब आगे निकाले अंकल, तो सदी से काटू। देखिए फ्रेंड्स, फिर कोशिश कर रहा हूँ। अभी पहले जब मारने छप मारा था तो भाग गया था। बच्चों का ही तो एक प्रॉब्लम है, बस मौके के चक्कर में रहते हैं कि कब मौका मिल जाए और कब काट दें।
को तो काट दिया, एक और आगे उड़ रही है, अब कितने को काटूं मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या करते हैं, अब देखिए ये आना हमारी छत पे ही आ गया। फिर देखिए फ्रेंड्स, बहुत चढ़ करके आ गया था वो, देखिए मेरे पतंग के पास जा रही है उसकी पतंग। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे बच्चे पेच लड़ा रहे हैं, हमारा पेच तो रुक गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आगे पतंग उड़ा दी है, और ये भी पीछे से भी बच्चों ने पतंग उड़ा रखी है। फ्रेंड्स ये देखिए पेच लड़ने जा रहा है, अंधेरा भी हो गया काफी। वो काटा मैंने फिर, वो देखिए फ्रेंड जा रही है, इसको भी लपेटू। मेरी पतंग ये नीचे से आई, काट दी मैंने। वो देखिए फ्रेंड्स जा रही है उसकी पतंग, फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही बेकार एकदम डर्टी पेच होता है ना, गंदा पेच, उसकी इसको हम ये पेच मानेंगे, क्योंकि वो क्या हुआ, मेरी कन्ने की तरफ चला गया, और बल्कि उसका ही कन्ना कट गया, आपने देखा भी उसका जो पतंग का कन्ना है मेरे मांझे से टकरा गया, और ये बिल्कुल इसको हम लोग क्लब काइट फाइटिंग में बिल्कुल गंदा पेच मानते हैं, और यही गंदा पेच लड़ा भी। तो अगले पेच का इंतज़ार करिए, देखिए अगला पेच कैसा लड़ता है। फ्रेंड्स देखिए ये पतंग फिर उड़ करके जा रही है, ये लड़ेगी, पहले वाली मैंने काट दी थी, उसका कन्ना कट गया था पहले वाले का, गलती उसी की थी, मेरी नहीं थी, क्योंकि उसने डोर नहीं निकाला। अभी देखिए फिर लड़ेगा, फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रहे हैं, और ये जो मैंने डाउन किया पतंग ये मेरी है। अरे भाई थोड़ा ऊपर तो करो, अंदर आने दो।
देखिए फ्रेंड्स, कांटी मैंने इसकी वो जा रही है, वो देखिए जा रही है, पता है। फ्रेंड्स बहुत मेहनत करवाया मेरे से, बहुत मेहनत का पेच लड़वाया। पिछला पेज भी बिल्कुल ही गंदा सा ही था और ये फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लड़ा, लेकिन वो पता नहीं क्या है कि मेरे पतंग का गर्दन ही नहीं छोड़ना चाह रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को ताकत लगा के अंदर घुसना पड़ा और जैसे ही मेरा पतंग का मुड्ढा बना और मैंने सीधा खींच करके काट दिया उसका। फ्रेंड्स देखिए, इससे लड़ रहा है मेरा पेच, ये आया, ये मुड्ढा मार करके अभी नहीं लड़ा। चला रहा है ये और माय गॉड, वो काटी मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स आ रहा है, बहुत डोर से काट दी इसकी। बताइए, ये मेरे पीछे से उड़ा रहा था और नीचे से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना बढ़िया पेच काटा मैंने इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मांझा भी देखिए, ये देखिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसका मांझा, मैंने मांझा पकड़ लिया था, आपको दिखा दूँ बिल्कुल पास ला करके। ये देखिए, ये मांझा है उसी पतंग का जो अभी कटी है, उसका मांझा है। फ्रेंड्स मैं किसी का भी मांझा लूटता नहीं, किसी का भी मांझा मेरे छत के ऊपर आता है ना, मैं छोड़ देता हूँ उसके मांझे को, लूटता नहीं। फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, मेरा वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम सोमेन घोष है और अपने छत पे किसी को भी नहीं आने देना, सिर्फ आप अपने आप ही अकेले पतंग उड़ाना और किसी को भी अपने छत पे बिल्कुल भी नहीं आने देना, चाहे आपका नेबर हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, किसी को भी आपने नहीं आने देना अपने छत पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।